हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड श्लोक वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल रोजिला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आने वाले वन प्लस के नए सीरीज वन प्लस नाइन के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में वन प्लस के नाइन सीरीज की कुछ फोटो सामने आ चुकी हैं, तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगा और क्या होने वाले हैं इसके फीचर्स, क्या रहने वाला है इसका प्राइस रेंज। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वन प्लस की नाइन सीरीज के बारे में। बात करते हैं वन प्लस की इसी नाइन सीरीज के बारे में। तो अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लीक्स के मुताबिक ये वन प्लस नाइन सीरीज को अप्रैल से मई के बीच लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ये फोन मार्च में पूरी तरीके से लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन जब तक कंपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं करती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये कब लॉन्च हो सकता है। वहीं चलिए बात करते हैं वन प्लस की कुछ डिजाइन वगैरह के बारे में। तो वन प्लस अपनी ग्लैगशिप डिवाइसेस में लगातार ही बढ़ोतरी कर रहा है। वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो की कीमत तो देखते हुए लगता है कि वन प्लस की कीमत भारत में कुछ 55,000 से लेके 60,000 के बीच हो सकती है। यही बात करते हैं वन प्लस 9 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो वन प्लस 9 में हमें 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं वन प्लस 9 प्रो में 6.78 इंचेस का HD प्लस AMOLED पैनल के साथ दिया जा रहा है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक हो सकती है। लीक के मुताबिक दोनों फोन में फ्लैट या कर्व डिस्प्ले देखने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। फोन का रियर पैनल ग्लास फिनिश के साथ देखने को मिलता है, वहीं बैक पैनल भी ग्लास के साथ देखने को ही मिलेगा। इनमें रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिए जाने की भी पूरी संभावना दी गई है। वहीं OnePlus 9 लाइनअप में क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसमें ऑक्टा कोर चिपसेट मौजूद भी होगी। 5nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाए जाने की उम्मीद है। इसमें 2.84 GHz की क्लॉक स्पीड दी जा सकती है, साथ ही एंड्रॉइड 660 GPU देखने की भी उम्मीद है। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X60 5G मॉडम के साथ आता है। यहीं इसी में आपको Wi-Fi 6E और 6 और Wi-Fi 5 कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। इसमें स्पेक्ट्रा 580 ISP देखने को भी मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें इसके स्टोरेज टाइप की तो इसमें हमें जो पहला वेरिएंट देखने को मिलता है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट जो है वो है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, और वहीं तीसरा वेरिएंट जो है वो लाता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। बात करते हैं अगर इसके कैमरा सेटअप वगैरह की तो OnePlus 9 में हमें क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है। इसका प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा, दूसरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, तीसरे सेंसर के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया, और जो इसका फ्रंट सेंसर मिलता है वो भी हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर इसकी बैटरी वगैरह की तो इस फोन में हमें 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसमें हमें 65W का फास्ट चार्जिंग और 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। OnePlus 9 Pro को IPS 68 सर्टिफिकेशन के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब थोड़े बहुत पानी से इसको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये फोन लॉन्च हो सकता है। सुनने में तो आ रहा है कि शायद 1 से 2 महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाए। OnePlus के यूजर इस फोन को लेकर काफी एक्साइटेड है, और देखना ये भी होगा कि OnePlus ने जो इस फोन को लेकर हाइप बनाई हुई है वो उस पे सही साबित होता है या नहीं। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल ट्रूजिला को सब्सक्राइब करें।